तुर्की के सदर उर्दुहान सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अच्छे रिवाबत के लिए बेचैन। सन 2018 में तुर्की के शहर इस्तांबुल में सऊदी कौंसल खाने की इमारत में मारूफ सहाफी जमाल खाशकजी के कत्ल के बाद सदर उर्दुहान ने उस कत्ल के लिए बराह रास्त सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ उंगली उठाई थी। उसके बाद मुस्लिम दुनिया के दो इंतहाई बासर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात तेजी से खराब होने लगे। एक साल के अंदर दोनों के दरमियान ताल्लुकात उस कदर बिगड़े कि सऊदी अरब ने सरकारी तौर पर तुर्की से अशिया की दरामद पर पाबंदी लगा दी। दूसरी जानिब सदर उर्दुहान सऊदी शाही खानदान को तनकीद का निशाना बनाने का कोई मौके हाथ से जाने नहीं देते। दोनों ममालिक के सरकारी मीडिया के जरिए दोनों हुकूमतों के दरमियान ट्वेल अरसे तक एक दूसरे पर कैच उछालने का सिलसिला जारी रहा। लेकिन रवां साल अप्रैल में तुर्की के सदर रजब तय्यिब एर्दोगान के सऊदी अरब के अचानक दौरे और जिदा में सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुसाफर करने की तस्वीर के बाद उनके ताल्लुकात में तब्दीली के आसार नजर आने लगे। गुज़श्ता चंद महीनों के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में गर्मजोशी नजर आई है। तजारत और तैयारों की नकल व हरकत से पाबंदियां हटा दी गई हैं। सऊदी अरब में तर्क टेलीविजन सीरियल्स की निशरियात शुरू हो गई हैं और दोनों ममालिक के मीडिया में एक दूसरे के खिलाफ मुहिम भी बंद हो गई है। उसके बाद एर्दोगान की खसूसी दिदवत पर सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरा तुर्की से ये बात वास है कि दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात पर पड़ी बर्फ पिघल रही है। एर्दोगान ने पहल क्यों की? बैन अलाक्वामी सियासी मुफसरीन को उसमें कोई शक नहीं कि तुर्क सदर एर्दोगान सऊदी अरब के साथ नए सिरे से बेहतर ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। मशरिक वस्ता के जग्राफियाई सियासी खतरात के बारे में लंदन में कायम एक तहकीकी इदारे इंटरनेशनल इंटरेस्ट के सरबरा सादी हामिदी ने बीबीसी बंगला को बताया, मेरे ख्याल में एर्दोगान ने जरा सा ही सही लेकिन घुटने टेके हैं। वो गुज़श्ता चंद माह के दौरान सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात में आने वाली तल्खी को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एर्दोगान जंग के लिए हमेशा तैयार रहने वाली अपनी पहचान को छोड़कर आखिर घुटने क्यों टेक रहे हैं। हामिदी का ख्याल है कि उसकी पहली और वाहिद वजह तुर्की का मुआशी बहरान है। तुर्क करेंसी लेरा मुंह के बिल गिर गई है। खबर रिसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक सन 2021 में एक साल के अंदर लेरा की कदर डर के मुकाबले में आधी रह गई है। महंगाई की शरह भी 70% से तजावुज कर गई है। हामिदी का कहना है कि इंतखाबात में सिर्फ एक साल बाकी है। एर्दोगान इलेक्शन से कबल मशरिक वस्ता बालखसूस सऊदी अरब से कुछ सरमाया कारी करके इक्तसादी बहरान को किसी हद तक काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। एर्दोगान ने गुज़श्ता हफ्ते कहा था कि वो और सऊदी वलीअहद उस मामले पर बात करेंगे कि बाहमी ताल्लुकात को किस बुलंदी तक ले जाना मुमकिन है। तुर्की के एक सरकारी एहलकार ने सहाफियों को बताया, सऊदी वलीअहद का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान बहरान से पहले के फितरी ताल्लुकात को बहाल करेगा। 2018 में खाशकजी के कत्ल से पहले मालूमात के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान तजारत और सिक्योरिटी जैसे मुआमलात पर मुआहदे होंगे। उसके साथ तुर्की की स्टॉक मार्केट में सऊदी सरमायाकारी पर भी बात होगी। तुर्की में तैयार किए गए स्ट्रेटेजिक ड्रोन्स की सऊदी अरब को फरोख्त का मामला भी जेर बहस आएगा। यानी जून सन 2023 में होने वाले इंतखाबात से कबल एर्दोगान तजारत बढ़ाने और सऊदी अरब से सरमायाकारी को रागिब करने के ख्वाहिशमंद हैं। क्या एर्दोगान पीछे हट रहे हैं? अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूट काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस की तरफ से गुज़श्ता माह शाया होने वाली एक रिपोर्ट में स्टीवन एकुक ने लिखा, एर्दोगान अपनी फितरी तौर पर जा रहा ना खारजा पॉलिसी से किसी हद तक पीछे हट गए हैं। अपनी लाहासिल जारहाना खारजा पॉलिसी की वजह से इन्होंने अमीर अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात कुशीदा कर दिए हैं, खास तौर पर मशरिक वस्ता में। उससे तुर्की को कोई फायदा नहीं हुआ। एर्दोगान मिस्र के सदर सैसी से बहुत नाराज के वाज रहे कि मिस्र के मौजूदा सदर सन 2013 में मोहम्मद मरसी और अख्वान अल-मुस्लिमीन की हुकूमत का तख्ता अलकर अख्तार पर बर्जमान हुए थे। उस वक्त से एर्दोगान मिस्र मुखालफ सियासतदानों को पनाह और तोहफ़
फ्राहम करते रहे हैं। उसके अलावा इस्तांबुल से वो उन लोगों को सैसी हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाने की इजाजत दे रहे हैं। मिस्र की उस बगावत को सऊदी अरब की हमायत की वजह से भी उर्दुहान सऊदी शाही खानदान से नाराज थे। यही वजह है कि सन 2017 में जब सऊदी अरब और मतहदा अरब अमारात समेत मशरक वस्ता के चार ममालिक ने कतर पर पाबंदियां आई की तो तुर्की कतर की हमायत में कूद पड़ा। उसके नतीजे में मशरक वस्ता के बासर ममालिक जैसे सऊदी अरब, मतहदा अरब अमारात और मिस्र के साथ तुर्की के सिफारती और अक्तसादी ताल्लुकात में तल्खी बढ़ती चली गई। उसके बाद सन 2018 में सऊदी निजात अमरीकी शहरी जमाल खाशकजी के कत्ल के बाद उर्दुहान ने सऊदी अरब और मतहदा अरब अमारात को किटारे में खड़ा करने की हर मुमकिन कोशिश की। बहुत से मुहाफिज़ीन का ख्याल है कि उस मामले में इंसाफ का मतालिबा इकट्ठा कर उर्दुहान दरअसल उस वाक़े का फायदा इकट्ठा कर सऊदी अरब को नुकसान पहुँचाना चाहते थे। ताल्लुकात में दरार आने से पहले सऊदी अरब के लोग तुर्की में फिक्स्ड असासों के सबसे बड़े खरीदार थे। सऊदी अरब में 100 से ज्यादा तुर्क कंपनियां कारोबार कर रही थीं। सऊदी अरब में तकरीबन 1,00,000 तुर्क शहरी काम करते हैं। सऊदी अरब के अक्तसादी तज़ियाकार अमाल अब्दुलरज़ीज़ अलहजानी के मुताबिक तुर्की ने 2023 तक सऊदी सरमायाकारी का हद 2500 मिलियन अमरीकी डर मकर किया है और वो दो तरफा तजारत को 200 मिलियन डर तक ले जाना चाहते थे, लेकिन ये तमाम मकासद अधूरे रह गए। दोस्त कम होते जा रहे हैं, दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। सादी हामिदी कहते हैं कि तर्क वोटर के लिए मलकी माइश खारजा पॉलिसी से ज्यादा अहम है। बहुत से लोगों में ये ख्याल बढ़ता जा रहा है कि उर्दुहान की वजह से तुर्की के दोस्तों की तादाद कम हो रही है और दुश्मनों की तादाद बढ़ रही है। हाल ही में तर्क सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में बिजनेस कॉन्फ्रेंस की एक खातून आर्गनाइजर उर्दुहान से चीख चीख कर कह रही हैं कि सऊदी अरब के साथ बिगड़ते ताल्लुकात की वजह से उनका कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। सऊदी अरब और मतहदा अरब अमारात ने अक्तसादी महाज के अलावा इलाकाई सियासत में भी तुर्की का मुकाबला करने की कोशिशें शुरू कर दी थी। बहिरा रोम में ईंधन की मलकियत पर तुर्की के साथ तनाजा में मिस्र, सऊदी अरब और मतहदा अरब अमारात कब्र सौर यूनान की हमायत में आ गए।